हे गाइस, मैं हूँ रीना और आप देख रहे हो आरएस न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं अंकित भायापुरी के बारे में। तो गाइस, मैं बता दूं, अंकित भायापुरी का एक बड़ा कोलाब वीडियो आया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ। जी हाँ गाइस, कल उनके और नरेंद्र मोदी के चैनल पर एक वीडियो आया एंड वहाँ पर गाइस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अंकित भायापुरी के साथ बात कर रहे थे और वहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी अंकित भायापुरी से बहुत कुछ पूछे। अंकित भायापुरी क्या चैलेंज कर रहे हैं और सच्चा भारत अभियान के बारे में बात कर रहे थे वो दोनों, यानी कि वो प्रमोट कर रहे थे सच्चा भारत अभियान के। तो गाइस, आप लोग खुद देख लो वो वीडियो का कुछ छोटा सा एक क्लिप। ज्यादा प्रोत्साहन मिलने लग रहा है। आपका जो 75 डेज चैलेंज है उसमें क्या करते हैं? उसमें 5 रूल फॉलो करनी है। एक तो 2 टाइम वर्कआउट हो, उसमें 2 टाइम होना चाहिए। हाँ, 2 टाइम होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। एक इंडोर हो, एक आउटडोर हो। दोनों आउटडोर होता तो जब भी कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, 4 लीटर पानी। एक बुक पढ़नी है, 10 पेज कोई भी बुक हो, उसमें मैं अपनी पुराण पढ़ने लग रहा हूँ। अच्छा, पहले श्रीमद भागवत गीता पढ़ी थी, इब शिव पुराण पढ़ने लग रहा हूँ। और चौथा रूल है उसका, स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी है। और चौथा बनी, एक सेल्फी लेनी है, प्रोग्रेस ट्रैक करनी थी। ये अच्छा है, इसके लिए एक स्वच्छता का संदेश, क्योंकि मैंने देखा है कि धीरे धीरे देश में स्वच्छता के लिए सबकी रुचि बन रही है। परिवार में छोटे बच्चे भी अपने दादा को कहते हैं गंदा मत करो, एक अच्छा वातावरण से भी। तो गाइस, अब हम बात करने वाले हैं एलविश यादव वर्सेस फुकरा इंसान के बारे में। तो गाइस, आपको पता ही होगा कि एलविश यादव के एक सोशल मीडिया पे नेगेटिव पीयर चल रहा है, जिस पर रिएक्ट करते हुए एलविश यादव ने इनडायरेक्टली जो लोग नेगेटिव पीयर कर रहे थे उनको वो धमकी दे दिए थे। काफी लोग अभी ट्विटर पे ऐसा बोल रहे हैं कि एलविश यादव पहले अच्छे बन रहे थे और अभी चेंज हो गए और धमकी भी दे रहे हैं। तो इन पर एलविश यादव ट्विटर पर एक बिग बॉस के टाइम क्लिप शेयर किया और वो क्लिप का कॉन्टेस्ट ये था कि एलविश यादव बोलते हैं, धमकी अगर देनी होती तो मैं किसी से डरते नहीं, धमकी खुले आम दूंगा। अगर ये धमकी है तो हम धमकीबाज हैं, हम तो देते हैं धमकी, कोई रोक लो। तो इस ट्वीट को वो रीट्वीट करते हुए लिखे, फॉर ऑल दोस्त जिनको लग रहा है कि मैं किसी को धमकी दे दी तो मैं चेंज हो गया, भाई मैं बिग बॉस में भी ऐसा ही था तो वो रियलिटी शो ही। तो गाइस, मैंने तो आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में बताए थे कि ध्रुव राठी ने एलविश यादव को अपनी वीडियो में पोक किए। पहले आप वो क्लिप देख लो। 2023 में भी कितने लाखों करोड़ों ऐसे लोग हैं देश में जिन्हें लगता है कि औरतों का काम सिर्फ घर पर रहना है। किचन में बर्तन हो गए, सब्जी बनानी होगी, झाड़ू पोछा, शिट, रोटी कौन बनाएगा? हम बनाएंगे क्या रोटी, सेठ आदमी। तो यार देखो, इतना दिमाग मत चलाया करो गर्ल्स, अपने पैसे भी थोड़ा कम होता ना इधर तुम्हारा, यार ये बुद्धि। ऐसे ही रिमार्क्स आ रहे से। तो इस पर एलविश यादव ने भी अपने रिएक्शन दिए और क्या कहा, आप लोग खुद देख लो वो वीडियो। वो चल रही है मेरी कि एलविश तो लड़कियों का मजाक बनाता, कि लड़कियां तो किचन में डिजर्व करती है, वो तो वो मजाक है यार, करो भाई ग्रो अप भाई। और वो छोटी क्लिप जो है ना, इतनी इतनी क्लिप जो देख रहे हो आप, उसको ना पूरा देखो पहला, जो व्यूज तो बढ़े कम से कम, उस वाले ब्लॉग को देखो जाके, सर्च करो नहीं मिल रहा तो, कि मैंने कौन सा जोक किस उसमें मारा था, कॉन्टेक्स्ट में मारा था, समझ, कि कौन किसकी कितनी रिस्पेक्ट करता है पता लग जाएगी तुम्हें। मैं कह रहा हूं औरतों की, आदमियों की, सब लोगों की। जर्मन फंड, हमारे जर्मन सेफर्ड भौंकने लग गए दोबारा, क्योंकि कई लोग होते रिस्पेक्ट नहीं करते विमेन की। क्लिप लगा रहे भाई, तुम्हारी रिस्पेक्ट करता तो मैं और तुम्हारी बहू की भी करता हूँ मैं यार, भाभी जी को नमस्ते करना। हाँ यार, हम रिस्पेक्ट करते दिल से भाई, जेन्युइन भाई, जेन्युइन। सो गाइस, अब हम बात करने वाले हैं फुकरा इंसान के बारे में। तो गाइस, फुकरा इंसान ने अपने लेटेस्ट ब्लॉग में बताया कि उनका एक बहुत बड़ा ऑफर आया है, आप लोग खुद सुन लो उन्होंने क्या कहा। मेरे को जाना था दिल्ली, बट YouTube फैन फेस्ट पे इतना अच्छा रिस्पॉन्स हुआ, तो हैदराबाद से कुछ एक प्यारा सा ऑफर आया है एंड हम वहाँ जा रहे मीटिंग करने, वो चीजें मैं बड़ी जल्दी डिस्क्लोज करूंगा। तो गाइस, अब हम बात करने वाले हैं क्रेजी दीप के बारे में। तो गाइस, क्रेजी दीप ने क्या UK07 राइडर को एक्सपोज कर दिया, फिर क्यों, आप खुद देख लो वो वीडियो। देखो भैया, जो भी हो, लेकिन बाबू भैया अपनी जुबान के बहुत पक्के हैं। बाबू भैया एक बार जो बोल देते ना, वो तो फिर होता ही है। जिन्हें पता है उन्हें पता है कि बाबू भैया ने एक एक चीज जो बोली है ना आज तक गाइस, वो घर पे खड़ी है, गाड़ी बोली है ना वो घर पे खड़ी। अच्छा बाबू भैया, तो आज से 6 महीने पहले भी आप कुछ कह रहे थे यार। इसके बाद लैम्बो भी तो खड़ी करनी है गाइस, लैम्बो तो घर के अंदर। अब जिन लोगों को समझ में नहीं आ रही है भाई, मैं बता देता हूँ कि पिछले 6 महीने से ये बंदा अपनी ऑडियंस को कह रहा है कि बाबू भैया लैम्बोर्गिनी लेके आने वाले हैं गाइस। अबे डेट तक अनाउंस कर दिया यार इसने, और अब लेके आ गया सुपरा। और वो आज से 1 महीने पहले भी आपने कुछ बोला था यार बाबू मोशाय, आप अपनी जीवान के तो पक्के नहीं हो, क्योंकि जब आपने बोला कि 18 तारीख को वीडियो आएगी, सुपरा आ गई एक बार, उसके बाद 3 बार तो साला सुपरा ग्रेस हो गई, एक बार सीज हो गई, तेरा बर्थडे निकल गया, 12 दिन हो गए, लेकिन डिस्ट्रैक्ट नहीं आया। अब इसके पीछे ना 2 रीजन है। पहला कि आप अपनी जुबान के हो ही नहीं, जो आप बोलते हो आपसे होती नहीं।
और दूसरा कि आपकी खड़ गई, क्योंकि आपको भी पता है कि इस गेम में क्रेजी आपके पापा हैं। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ और बात करते हैं कैरी मिनाटी के बारे में। तो गाइस कैरी मिनाटी ने शार्क टैंक इंडिया को ट्रोल कर दिया है। आप लोग देखे होंगे शार्क टैंक के पिछले सीजन में काफी सारे स्टार्टअप को शार्क ने कह दिए थे कि आपका बिजनेस बेकार है, इसमें कोई क्यों इन्वेस्ट करेगा। तो इस पर कैरी मिनाटी ने ट्वीट किए, शार्क टैंक जाने की सोच रहा हूँ, खुद का स्टार्टअप तो नहीं बना पर दूसरे को तो डिमोटिवेट तो किया जा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ और बात करते हैं फिर से एलविश यादव के बारे में। तो गाइस एलविश यादव ने फिर से अपने ब्लॉग में फुकरा इंसान को रिप्लाई दिया, यानी कि फुकरा इंसान को ट्रोल भी किया है। जी हाँ दोस्तों, एलविश यादव ने अपने ब्लॉग में बिग बॉस की ट्रॉफी दिखाई और कहा कि भाई साहब ये मैं गलती से जीत गया और ये किसी और को जीतना चाहिए था। भाई ले एक काम कर, ये ट्रॉफी तू ले जा, ये मुझे नहीं चाहिए और ये नेगेटिव पीयर करना बंद कर दे। ये सब कुछ कहा एलविश यादव ने। तो चलिए वो वीडियो के कुछ छोटा सा एक क्लिप मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। वो मेन सामान का है, मेन सामान भाई इसे ले लो, मुझे बख्शो भाई भाई मुझे बख्शो भाई हैं, ये है ये ले से लो भाई देख लिया मैंने ट्विटर पे पोस्ट यार, इसे ले लो भाई, एक इसको कूरियर कराओ, हमारा पीछा छोड़ो भाई प्लीज, आज जुड़ रहा हूँ तुम लोगों के आगे भाई, इसे ले जाओ, ये मेन जड़ इसे भी ले जाओ, ये भी वहीं का ही है, इसे भी ले जाओ, घोड़ा ही छोड़ दिया हमारा, यो तो हमारा, इसे तो ना दो भाई, इसे भी ले लेना है, यो चाहिए, यो भी ले लेना, तो गिफ्ट है इसलिए दे रहा है, अरे यो भी दो भाई, बिग बॉस काम है ना चाहिए कुछ भी भाई, क्या ही जिंदगी हो रखी है भाई, हमें चाहिए सुकून, प्यार भरी जिंदगी जैसी मेरी पहले चल रही थी, हमें ना चाहिए ये सारी चीज। बिग बॉस क्या लिख रखा है इस पे, अब ये मेरे को एक चीज दिखाता हूँ, इस पे लिख रखा है बिग बॉस OTT विनर सीजन 2 हूँ मैं वैसे ऑन रिकॉर्ड, पर भाई इसके ये चाहिए तो भाई से अपना घर पे ले जाओ और ये सारी चीज़ें बैक आउट प्लीज़ हैं, देख ली मैंने सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने भी आई हैं, मैं अब जिक्र भी ना करूँ, मुझे जिक्र करना भी नहीं, बस मुझे ये है कि इतने दिन बाद मैं अपने घर पे आया, एक अभी कितने घंटे के लिए हूँ इधर, थोड़ी सी देर के लिए हूँ, मेरा काम धंधा बढ़िया चल रहा, मुझे इन चीज़ों में पढ़ना नहीं ना, मुझे किसी के गैल लगना, मुझे बस अपना पैसा पूसा कमाना, अपने जो ये वाला कर रहे पीछे वाला पला चुन देंगे, इसकी दरकार है तो मेरे को एक बार मैसेज डाल देना।